पुरुषोत्तम या अधिक मास का सनातन धर्म में बहुत महत्व होता है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुरुषोत्तम मास में अगर भक्तगण पूरे मन से भगवान विष्णु नारायण की आराधना करें तो उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसी पुरुषोत्तम मास के महत्तम की कथा में अध्याय 2 में हमने सुना कि सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषि मुनियों और देवगणों को पुरुषोत्तम मास के महत्तम की कथा सुना रहे थे कि किस तरीके से देव ऋषि नारद भगवान श्री हरि से पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुनाने के लिए आग्रह करते हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। अध्याय 3 में सूत जी के पावन मुख से पावन कथा सुनते हुए ऋषि बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण ने नारद जी से जो उत्तम वाक्य कहे, कृपा करके हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री नारायण भगवान ने नारद जी से जो सुंदर वचन कहे, वे जैसे मैंने सुने वैसे कहता हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनो। तब श्री हरि बोले, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा, मैं वो तुम्हें कहता हूँ। एक समय धार्मिक राजा युधिष्ठिर छल के चाहने वाले धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों से जुए में अपना सब कुछ हार गए। सबके देखते देखते अग्नि उत्पन्ना धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन उसे भरी कौरवों की सभा में खींच कर लेकर आया और खींचने के बाद वह उसके वस्त्र उतारने का प्रयास करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। उसके बाद पांडव राज्य को छोड़कर काम्यक वन में चले गए। वहां बहुत ही कलेश और दुख से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर पर बाल होते हैं, उसी प्रकार पांडवों के शरीर पर भी बाल हो गए थे और पांडव वनवासियों की भांति वन के फल खाकर अत्यंत दुख पाते हुए वहां अपना जीवन यापन करने लगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी देखकर मुनियों सहित काम्यक वन में गए। तब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को देखकर मानो देह में प्राण आ गए हों ऐसे छटपट उठे और प्रेम में लिप्त होकर बहुत ही प्यार से उनसे मिले एवं नकुल और सहदेव ने भी शीघ्र ही उनके चरण कमलों को प्रणाम किया। इसके बाद द्रौपदी धीरे धीरे आई और आलस्य रहित होकर भगवान को शीश झुकाकर नमस्कार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्र पहने हुए देखा। पांडवों के समस्त शरीर में धूल लगी हुई थी, रूखा हो गया था शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए थे। इसी प्रकार द्रौपदी का शरीर भी दुर्लभ हो गया था और वह दुखों से घिरी हुई ऐसा भगवान ने देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए और भक्तवत्सल भगवान ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोध किया। तब उनकी भ्रकुटियां टेढ़ी हो गईं, आंखें चढ़ गईं और करोड़ों महाकाल जैसा उनका मुख विकराल हो गया, मानो प्रलय काल की अग्नि की लपटें उठी हों। दांतों को पीसते हुए ऐसा प्रतीत होने लगा मानो त्रिलोकी को अभी भस्म कर देंगे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग से संतृप्त होकर श्री रामचंद्र जी को रावण पर क्रोध आया था, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी का स्वरूप हो गया था। भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन श्री कृष्ण को प्रसन्न और शांत करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज और सभी लोगों ने अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत से
बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे? जिसके दृष्टि टेढ़ी करने मात्र से ब्रह्मा का भी पतन हो जाता है, उसके कोप से क्या नहीं हो सकता, यह कौन नहीं जानता है? अतः हे जगतपते, आप संहार करने वाले अपने क्रोध को त्यागिए, आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। आप सभी तत्वों के ज्ञाता और सब कारणों के कारण स्वरूप वेद वेदांग के बीज के भी बीज ईश्वर श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही चराचर जगत के उत्पन्न करता, सब मंगलों के मांगल्य बीज स्वरूप हैं, सनातन हैं। आप अपने रचे हुए विश्व का एक व्यक्ति के अपराध के कारण क्या नाश करोगे? ऐसा कौन होगा जो केवल मच्छरों को भस्म करने के लिए अपने सारे घर को जला दे? कृपा करके अपने क्रोध को आप शांत करें, आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। इसके बाद सूत जी ने कहा, अर्जुन की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण ने अपने क्रोध की अग्नि को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। तब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को शांत हुए देखकर सुख का अनुभव किया। प्रेम से प्रफुल्लित मुख को देखकर युधिष्ठिर आदि सभी ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कंदमूल और अन्य जंगली फलों आदि से उनकी पूजा की। श्री नारायण बोले, दीन बंधु भक्त वत्सल, श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न जान प्रेम मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर अर्जुन ने बार बार प्रणाम किया और भगवान से उन्हीं प्रश्नों के विषय में पूछा जिन प्रश्नों को आपने मुझसे पूछा है। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर क्षण मात्र मन में सोचकर अपने प्रिय पांडवों को और व्रत धारण करने वाली द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों के हित कर वचन बोले, महाभाग, हे शत्रुओं के लिए अजेय, मेरा उत्तर सुनो। तुमने ऐसा अपूर्व प्रश्न किया है जिसका उत्तर देने में मुझे अधिक उत्साह नहीं हो रहा है। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गूढ़ से भी गूढ़ है और ऋषियों को भी अगम्य है, तब भी हे प्रिय अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारणवश अवश्य बतलाऊंगा। पांडवों, इस प्रश्न का उत्तर बहुत कठिन है, अतः तुम ध्यान से और क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 महीने हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, घड़ियां, प्रहर, त्रिपहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावड़ी, लता, औषधियों, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरी, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें कोई भी ऐसा अद्भुत व्यक्ति नहीं है जो कि अपने अधिष्ठाता देवता के बिना रहता हो। ये सब अपने अपने समय पर पूजे जाने पर फलदाता होते हैं। अपने अपने स्वामी के संयोग के माध्यम से वे सभी सौभाग्यशाली हैं। हे अर्जुन, कदाचित उस समय अधिमास आया। दैत्य के पतन के लिए ब्रह्मा जी ने अधिक मास को उत्पन्न किया था। उसको सब लोग असहाय, निंदित, अपूज्य, मल मास, रवि संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते थे। अतः सभी लोग बोले कि यह पूजने योग्य नहीं है, यह मलमास छूने योग्य भी नहीं है और न ही शुभ कार्यों के लिए अच्छा है। लोगों के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह मलमास प्रभाव रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न और चिंता से ग्रस्त
होकर व्यथित हृदय से मरणासन्न की तरह हो गया। फिर यह धैर्य धारण करके मेरी शरण में आया। वैकुंठ में जहां मैं रहता था वहां पहुंचा। उस समय अंतरग्रह में गया हुआ वह मुझको विनीत भाव में दिखाई दिया। अमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण के आसन पर बैठा हुआ मुझे देखकर वह दंडवत करके नियमित होकर हाथ जोड़कर नेत्रों में आंसुओं को छोड़ता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से प्रार्थना करने लगा। इतना कहकर सूत जी बोले, इतनी कथा कहकर भगवान नारायण चुप हो गए। इस प्रकार श्री नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः भगवान नारायण को बोले, प्रभु इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले जगत को अभेदान प्रदान करने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहां पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिकमास इसके बाद क्या बोला। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासे अधिक मासे वैकुंठ पदार्पण नामक तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।